सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप 2019 के मैच नंबर 44 के बारे में, जो कि भारत और श्रीलंका की टीम के बीच खेला जाना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे ये मैच कब कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और आपको लाइव स्ट्रीम भी दिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों बात करें इस मैच की तो ये मैच है वर्ल्ड कप 2019 का मैच नंबर 44 जो भारत और श्रीलंका की टीम के बीच खेला जा। बात करें इस मैच की टाइमिंग तो इस मैच की टाइमिंग होने वाली दोपहर को 3 बजकर ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। बात करें कहां पर खेला जाएगा तो लीड्स के स्टेडियम में खेला जाने वाला है। अब दोस्तों बात करें इस मैच में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करें श्रीलंका टीम की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर श्रीलंका टीम की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं धमोत करुणरत्ने जो कि बहुत ही बड़े बल्लेबाज हैं। वही दूसरे ओपनर होने वाले कुशाल पेरेरा, नंबर 3 पर खेलने वाले अविष्का फर्नांडो, नंबर 4 पर खेलने वाले कुशाल मेंडिस, नंबर 5 पर खेलने वाले एंजेलो मैथ्यूज, नंबर 6 पर खेलने वाले लहिरुथिमाने, नंबर 7 पर खेलने वाले इसरो उराना, नंबर 8 पर खेलने वाले धनंजय डी सिल्वा, नंबर 9 पर खेलने वाले जेफी बंडेसे, नंबर 10 पर खेलने वाले कौशन रजिथा, नंबर 11 पर खेलने वाले लसित मलिंगा। तो इस प्रकार की प्लेइंग 11 रहने वाली है श्रीलंका टीम की। अब दोस्तों बात करें हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं रोहित शर्मा और के एल राहुल की जोड़ी जो कि बहुत ही बड़ी बल्लेबाज हैं। वहीं नंबर 3 पर खेलने वाले हैं विराट कोहली जो कि बहुत ही बड़ी बल्लेबाज और कप्तान है। नंबर 4 पर खेलने वाले ऋषभ पंत जो कि बहुत ही बड़े बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ की बल्लेबाजी करते हैं। नंबर 5 पर खेलने वाले महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 6 पर खेलने वाले दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर खेलने वाले हार्दिक पंड्या, नंबर 8 पर खेलने वाले मोहम्मद शमी, नंबर 9 पर खेलने वाले भुवनेश्वर कुमार या फिर कुलदीप यादव खेलने वाले हैं। वही नंबर 10 पर खेलने वाले यूजी चहल, नंबर 11 पर खेलने वाले जसप्रीत बुमराह। तो इस प्रकार की प्लेइंग 11 रहने वाली भारतीय टीम की। अगर दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम जीत जाती तो पॉइंट टेबल नंबर 1 के स्थान पर आ जाएगी। अगर भारतीय टीम जीत जाती तो ऐसे में न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला होने वाला है सेमीफाइनल के मैच में भारतीय टीम का। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद।